ये आपको लाइट दिखाई थी जो हमारी खराब हो गई थी, इसको रिपेयर करवा लिया है और इसकी जगह पे ये दूसरी एलईडी लगा दी थी। अब दोनों एलईडीज की जगह चेंज हो गई है जिसकी वजह से लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, संडे में इसे ठीक करवा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की रहमतों के साए में रहें, खुश और आबाद रहें और हमारे साथ साथ रहें। एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ, होपफुली ये व्लॉग भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। आए मेरे साथ पिछले कुछ दिनों की रूटीन को इंजॉय करें। आजकल एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल भी दिल नहीं करता उठ के रेडी होने को, और दूसरा यूट्यूब ने बहुत ज़्यादा हाथ खींचा हुआ है हर मामले से, तो उसके लिए भी खुश दिली से काम करने को दिल नहीं करता। इसलिए तो इससे पहले कि आप सब मुझसे अगेन कंप्लेन करें, मैं आप सबको दिखाती चलूँ कि मैंने एफर्ट की थी इस बार रेडी होके शूट करना चाहा था। थोड़ा सा ही अभी किया था कि नेबर्स में से कोई मुझसे मिलने के लिए आ गया, उनके काम में बिज़ी हो गई, उसके बाद नमाज वगैरह का टाइम हो गया, उसके बाद जब फ्री होके बैठी फिर मैंने कहा वैसे ही शूट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ये कि आप सबको सबूत पेश कर देती हूँ। सबसे पहले तो ये देखें, यहाँ पर पानी बॉयल हो रहा है, ऑलमोस्ट हो ही गया है। और ये किस लिए हो रहा है? ये मैंने अपनी वाटर बॉटल निकाल ली है, लास्ट ईयर मैंने इसे मंगवाया था और लास्ट ईयर भी मैं इसे यूज़ करती रही हूँ, लेकिन मेरे जहन से निकल गया था। उस दिन बच्चों के पास जब वाटर बॉटल्स का इस्तेमाल किया तो मुझे अपनी वाटर बॉटल याद आ गई। अब इसमें पानी भरते हैं और इससे अपने पास बिस्तर में रखूँगी, फिर पाँव फ़ौरन से गर्म हो जाते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें देखते ही उन्हें अपने बचपन का या ज़िंदगी का कोई ना कोई वाक्या याद आ जाता है, तो वाटर बॉटल देख के मुझे हमेशा ही अपनी दादी जान याद आ जाती हैं। अल्लाह पाक उन्हें अपनी जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। उनके पास ग्रीन कलर की बॉटल हुआ करती थी जिसे वो अपने बिस्तर में रखती थी, और जब भी हम उनके पास बैठते थे तो हम भी उस बॉटल से खूब खेला करते थे। सुबह शाम की रूटीन में इस एक्टिविटी का इजाफा हो गया है। मानो जब कॉलेज से या एकेडमी से आती है और मुझसे मिलती है तो मैं सबसे पहले उसके हाथ में ये बॉटल थमाती हूँ कि पहले हाथ गर्म करो फिर मेरे पास आना। अब बारी है अपना प्रॉमिस फुलफिल करने की। मैंने जब ये अनियन हेयर ऑयल सेदनी से ऑनलाइन ऑर्डर किया था तो इसकी अनबॉक्सिंग आपसे शेयर करते हुए कहा था कि जब मैं इसे यूज़ करूँगी तो फिर मैं आपको इसका रिव्यू दूंगी। जिनका रिव्यू देख के मैंने इसे ऑर्डर किया था उन्होंने कहा था कि इसकी स्मेल बहुत तेज़ है और इसको लगाने से सर में दर्द शुरू हो जाता है, तो कुछ थोड़ी बहुत हकीकत है भी इसमें। ज़्यादा देर लगाए रखें तो सर भारी महसूस होने लगता है और स्मेल इसकी तेज़ है तो, लेकिन चूँकि हमने बचपन में तारे मीरे का तेल भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है तो उसकी स्मेल जब बर्दाश्त कर लेते हैं तो इसकी स्मेल तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। अब आ जाते हैं इसके रिजल्ट्स की तरफ। इसे मैंने कोकोनट ऑयल में मिक्स करके फिर यूज़ किया था तो हमारे घर में ये किसी को भी सूट नहीं किया, ना मुझे ना मानो को ना अकीब को, सबके बाल ज़्यादा गिरने लग गए। वैसे एक एक दो दो दफ़ा ही यूज़ किया था, उसके बाद फिर हमने इसे यूज़ ही नहीं किया। हमने इसे डबल ऑर्डर किया था, हमारे साथ अफशी खाला ने भी मंगवाया था। बच्चों का रिव्यू इसके लिए बहुत अच्छा है, उन्हें ये सूट कर गया है और बाल गिरना भी कम हुए हैं, डैंड्रफ भी कम हुई है, और स्मेल के लिए जब कोकोनट ऑयल में इसे मिक्स किया जाए तो उसकी स्मेल कम हो जाती है। बाकी रिव्यू आपको स्मारा की ज़ुबानी सुनाती हूँ। बच्चे आए थे आप ही जान के किसी काम से मुझसे मिलने के लिए, तो मैंने अपनी वाली बॉटल भी उन्हें ही दे दी कि आप लोग इसे यूज़ कर लें, और फिर स्मारा सबा को बताने लगे कि इस ऑयल के क्या बेनिफिट्स हैं। चलें उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। मुझे ये ऑयल बहुत पसंद है, मैं जब लगाती हूँ ना ऐसे बाल सिल्की और स्मूथ हो जाते हैं, उससे मुझे ऑयल बहुत पसंद। मैं आपको भी कहूँगी आप भी ट्राई करो, आई लव दिस ऑयल। ना बस इसका एक ही नुकसान है कि अगर आप इसको क्या कहते हैं ज़्यादा सारा लगा लोगे ना फिर धुलता नहीं है। इसे हर बार थोड़ा सा लगाना है और फिर ना आपने अच्छे से वॉश करना है तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको स्मेल नहीं आती इसकी? आती है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस बार मानो ने अपनी सैलरी से अपने लिए ये ऑनलाइन सूट ऑर्डर किया था। खदर का 2-पीस सूट है, सेम प्रिंट में है जैसा कि आजकल इन है, केसरिया का डिज़ाइन है और सेम जो डिज़ाइन हमने पेज पे देखा था वही है, कपड़ा भी अच्छा है। मेरी स्टूडेंट का पेज है, वहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर किया था, फास्ट डिलीवरी थी। पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप लोग विजिट कर सकते हैं। बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन और कलर्स थे, लेकिन हमारे केस में यानी कभी कभार की शॉपिंग में कलर ज़्यादा मैटर कर
करता है कि जो आपके पास कलर अवेलेबल नहीं है वो आप मंगवा लेते हैं। अब जब ये सिलाई होके आएगा तो आपसे शेयर करूंगी कि कैसा डिज़ाइन बनवाया है इसका। जी देखा आपने, कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, लाइक के बटन को प्रेस ज़रूर करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली सब वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ। बहुत सारी दुआएं और प्यार आप सबके लिए। अल्लाह हाफिज़।